एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। उसी क्लास में एक लड़का था, वो मन ही मन उससे प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था, बूंद छन छन कर उसे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न कर सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी उसे, इसलिए वो भी राजी हो गई। और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सुनकर लड़का बोला, जानेमन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वो दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बातें मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। लड़की ने पूछा तो वो रुहासा होकर बोला, जान मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं है, उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। लड़की ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते रोते अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट बैग जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला और उसे देखते ही बेहोश हो गया। गिफ्ट बैग में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल अपना दिल तो ले जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना भी, वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा ही हो जाए जो उस दिन के बाद नहीं जी सका, नहीं मर सका, उसकी सारी जिंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कटती रही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।